सो गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, अगर आप लोग के पास रेडमी का 13 5G स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में हम बात करने वाले हैं ओनली 5G नेटवर्क सेटिंग के बारे में, जो कि यहां पर आपको बताने वाला हूं BONR 5G नेटवर्क के बारे में। जैसे कि अगर आप लोग 5G नेटवर्क पे कॉल करते हो, आपका स्विच करके 4G पर आ जाता है, ये प्रॉब्लम को आपका दूर करने वाला हूं। अब मेरे पास ये स्मार्टफोन है, यहां पर मेरे फोन में नेटवर्क को ऑन कर रखा है, मैंने नेट को ऑन कर लिया। यहां पर हमारे फोन में नेट ऑन हो चुका है, 5G नेटवर्क सपोर्ट भी कर रहा है हमारे फोन में, और यहां पर कभी हमारे फोन में 4G भी आ रहा है, तो यहां पर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है। ये जो 4G का नेटवर्क हमारे फोन में सपोर्ट कर रहा है, ये कभी कभी हमें 5G देखने को मिलता है, कभी कभी हमें 4G देखने को मिलता है, जो कि यहां पर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं ओनली 5G नेटवर्क को सेट करके। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। Redmi 13 5G फोन में अगर आप लोग को 5G नेटवर्क, ओनली 5G नेटवर्क को सेटिंग करना है या BONR 5G नेटवर्क को सेटिंग करना है, तो आप लोग सही वीडियो पे आ चुके हो। मेरे फोन में देखते हो तो 4G सपोर्ट कर रहा है, आपको नेटवर्क स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा। कंप्लीटली मैं इसे 5G सपोर्ट करने वाला हूं, 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला हूं। ओनली 5G कॉल करते समय भी हमारा 4G पर स्विच नहीं करेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों, नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों, आपको मिल जाता है यहाँ पर जियो का सिम लगा होगा, आप लोग लगा रखे हो या एयरटेल का कोई सा भी सिम हो आपका, यहाँ पर काम करने वाला 5G पे। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिल जाता है यह एक ऑप्शन, नीचे आपको आना है स्क्रॉल करके, नेटवर्क ट्राई का ऑप्शन मिलेगा, टाइपिंग का। यहाँ पर आप 5G नेटवर्क पर सेट कर रखो, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। कंप्लीटली यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क आप चेक कर लेना है, 4G ऑटोमेटिकली 4G स्विच का ऑप्शन है, इसे भी इनेबल कर लेना है या आपको बैक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको बैक करने के बाद आपको वोल्टी यूज का ऑप्शन है, इसे भी इनेबल कर लेना है। यहाँ से इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है। कंप्लीटली इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपके फोन में ओनली 5G नेटवर्क सेट करने का अलग सेटिंग होता है। तो फाइनली इसके लिए आपको आना है अपने डायलर के अंदर। अब डायलर के अंदर आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर डायल करना आपको *#, मैं लिखता हूँ *#*#, यहाँ पर आपको डालना है 46 and 36, लिखना है यहाँ पर 36। उसके बाद *#*#, एक सेटिंग आपके फ़ोन में आ जाता है कम्प्लीटली, जो कि अभी नहीं आया क्योंकि मैंने गलत अक्षर को डाला था। फिर से डालते हैं *#*#, उसके बाद हम डालते हैं यहाँ पर 46 and 36 *#*#*, एक सेटिंग आएगा आपके फ़ोन में, फोन इन्फॉर्मेशन एंड फोन। फर्स्ट नंबर पे सिम लगा रखा तो 1 नंबर पे आपको क्लिक करना है, 2 नंबर पे लगा रखा तो 2 नंबर पे आपको क्लिक करना था। मैंने फर्स्ट नंबर पे लगा रखा तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया उसके बाद हमारे फोन में इस तरीके का इंटरफेस आएगा, नीचे हमें स्क्रॉल करके आना है। अब नीचे आओगे तो आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर NR LTE GSM, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ओनली NR 5G मिल जाएगा, ओनली NR 5G नेटवर्क पे आपको सेट कर लेना। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल जाता है 5G नेटवर्क सपोर्ट, जब भी आप लोग कॉल वगैरह करोगे आपको 4G पे स्विच करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग Redmi के 13 5G फोन में देख पाओगे, और वो भी डुअल प्लस 5G नेटवर्क हमारे फोन में आ रहा, आप लोग को ध्यान से दिखाई दे रहा हूँ, 12+5G नेटवर्क आ रहा है। तो यहाँ पर जो कि ब्लैड वीडियो होता है, आप लोग को दिख रहा होगा कंप्लीटली, और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके का आप लोग देखोगे तो बेटर तरीके से आपके फोन में 5G नेटवर्क सपोर्ट करेगा इस सेटिंग को करने के बाद। सिंपल सा सेटिंग है, इसका कोड मैंने कहीं भी वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तभी जाकर आप लोग को इस कोड को पा पाओगे, नहीं तो आप लोग कोड नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोड डाल दिया है, तो कंप्लीटली कोड से आप लोग 5G नेटवर्क को सेट कर पाओगे आपके फोन में, इजी 5G प्लस नेटवर्क आपके फोन में आ जाएगा। तो यहां पर आपको दिखाता हूं कॉल करके, कॉल करते हैं 198 पर, मैंने 198 पर कॉल कर लिया। जैसे मैंने यहां पर कॉल किया 198 पर, अब हमारे फोन में देखोगे तो ओनली 5G नेटवर्क आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ओनली 5G नेटवर्क हमारे फोन में कंप्लीट है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे फोन में 4G पे स्विच नहीं करता। बेटर वाइज बेटर कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी एंड इस सेटिंग को करने के बाद। तो फाइनली अपने फोन में जाकर आप लोग ट्राई कर सकते हो एंड अपने फोन में इनेबल कर सकते हो Redmi के 13 5G फोन में आप लोग ओनली 5G नेटवर्क को इनेबल कर सकते हो। बेटर तरीके से मैंने इस सेटिंग को बता दिया, अपने फोन में जाकर आप लोग ट्राई कर सकते हो। फाइनली दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोग को डिटेल के साथ बता दो। फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इंप्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।